मधुरापुर थाना क्षेत्र के बीरित गांव में रास्ता संबंधी विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ही पक्ष से दो महिला समेत पांच लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी में प्रथम पक्ष से मोहम्मद आदम, शहनाज खातून, सवीना खातून, मोहम्मद वसीर एवं दूसरे पक्ष से मोहम्मद उमर बताए गए हैं, जिसमें गंभीर रूप से मोहम्मद आदम को चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया है। इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। प्रथम पक्ष से मोहम्मद वसीर ने बताया, उनके घर तक जाने के लिए ग्रामीणों के पंचायत द्वारा जो रास्ता दिया गया है, उस रास्ते पर मोहम्मद कलाम के द्वारा बार बार विवाद खड़ा किया जाता है, जबकि रास्ते वाली जमीन उनकी है। शुक्रवार को मोहम्मद कलाम ने रास्ते पर ईंट शीशे का टुकड़ा रख दिया। शिकायत करने पर मोहम्मद कलाम, मोहम्मद उमर समेत महिलाएं ईंट लाठी से हमला कर दो महिलाएं समेत चार लोगों को जख्मी कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के मोहम्मद कलाम ने बताया कि रास्ता वाली जमीन उनकी है। युक्त रास्ते की साफ सफाई करने के दौरान में मोहम्मद आदम और मोहम्मद वसीर समेत महिलाओं ने लाठी डंडे से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सभी घायलों का इलाज PHC मधुवापुर में चल रहा है। इस बाबत थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि दोनों ही पक्ष से आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं तो मार उसका सर फाड़ देंगे। माल के जो के हम लोग प्रतिक्रिया हैं, हम के माल लगे लाठी लगे लाठी से लगे घूम कर पहले का माल के है। हाँ, ईटा लेकर मरल के लाठी लेकर फराठी लेकर के सब हम छीन के रख ले थी। की नाम बोलो तो है? हमारा नाम है मोहम्मद बशीर। जीप के फोटो लेते रहा, अरे हम लोग फोटो मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।